आँखों की देखभाल, चैप्टर नंबर 7, प्रतिभा बुक, क्लास 4। आँखों की देखभाल कैसे करें? जैसा कि आप जानते हैं कि आँखों की प्रॉब्लम आज की तारीख में एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हर किसी बच्चों को हो गई, हर किसी वर्ग के बच्चों को हो गई है, बच्चे बूढ़े या फिर यंग लोगों को इसकी प्रॉब्लम है। तो हम अपनी आँखों की केयर कैसे करें, इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको बताएंगे आँखों की देखभाल स्वस्थ पर आधारित कथा। रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसे अपनी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर रमन नहाने चला गया और अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हो गया। धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन भी होने लगी। तो ये कहानी है रमन की। रमन सुबह उठा रोज की तरह और आंखों को मसलाते हुए उठा, ठीक है ना, पर उसको मालूम नहीं था कि आंखों में दर्द हो रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया और स्कूल चला गया। स्कूल जाने के बावजूद भी उसको धीरे धीरे आंखों में चुभने लगी, आंखों में दर्द होने लगा, तो ये बढ़ता चला गया। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आंखों को देखकर माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई, कहीं चोट तो नहीं लगी? रमन बोला, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी, पता नहीं क्यों सुबह से ही आंखें में दर्द चुभन हो रही है, अब तो आंखों में पानी भी निकल रहा है। माँ ने रमन की आंखों में पानी खूब छींटे दिए। ऐसा करने से रमन की को थोड़ा सा आराम लगने लगा। अब रमन जैसे ही स्कूल से आया तब भी उसकी आंखों में दर्द था, आंखें लाल हो गई थी। उसकी माँ ने पूछा, क्यों तुम्हारी आंखें लाल हो गई? तो उसने बताया, सुबह से चुभ रही है आंखें, आंखों में दर्द है, चुभन सी महसूस हो रही है। तो माँ ने क्या करा, उसकी आंखों में ठंडा पानी डाला, जिससे उसकी आंखों में थोड़ा सा आराम पहुँचा। शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आंखों की जांच करने के दौरान पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलते बोलता उससे पहले ही माँ बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है, टीवी तो इतनी पास से देखता है जैसे उसी में घुस जाएगा। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अक्सर माँ ऐसा करने के लिए मना करती थी। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, ठीक है ना? तो डॉक्टर ने रमन से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ाई करते हो? रमन कुछ बोलता उसके पहले उसकी माँ बोलने लगी कि रमन बिस्तर पे ही लेटकर किताबें पढ़ता, बहुत पास में अपनी किताबों को रखता, टीवी बहुत पास से देखता। तो जो भी उसकी माँ हमेशा उसको बोलती रहती थी, डांटती रहती थी जिस वजह से, और वो बातें उसकी माँ ने उसको डॉक्टर साहब को बता दी, ठीक है ना। तब फिर डॉक्टर साहब का एक और क्वेश्चन था, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? रमन ने झट से बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ऐसी ही चीज़ें पसंद है जो बहुत नुकसान करती हैं। हरी सब्जी, दाल, दूध, दही, फल आदि को देखते ही टाल मटोला करना करना शुरू कर देता है। तो रमन ने क्या बोलना चालू किया कि मुझे तो क्या पसंद है, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। तो उतने में माँ फिर बोली, इसको तो यही चीज़ पसंद है, बाहर की चीज़ें, अटरम सटरम पसंद है, सब्जी, दाल, दूध, दही खाने पसंद ही नहीं करता, फल खाने पसंद नहीं करता, हाँ टालम टोली करता रहता है, पर जैसे सब छोड़ छाड़ के भाग जाता है, जैसे अगर ये चीज़ मिलेगी तो उसको बहुत चाव से खाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रमन डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठा है और माँ उसकी शिकायत पर शिकायत करे जा रही है डॉक्टर से। रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन आज तुम्हारी आंखों में जो हाल है वही तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। अब डॉक्टर ने समझाते हुए उसको बोला कि रमन तुम्हारी इन्हीं गलतियों की वजह से तुम्हारी आंखें खराब हो रही हैं। तुमने पढ़ा ही होगा कि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है और यह विटामिन हमें हरी सब्जी और फलों से मिलता है, ठीक है ना। अब डॉक्टर अब समझाने लगे कि तुम्हें विटामिन ए की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि सब्जियों में होता है वो विटामिन ए, अगर तुम उसको नहीं लोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी बताने लगे, लेकिन ये सब तो तुम खाते ही नहीं हो। तो आँखों के स्वस्थ होने के दूसरे कारण ये भी है, अस्वस्थ होने के दूसरे कारण ये कि तुमने पढ़ने का तरीका ठीक ना हो, ठीक है। तुम दूसरा कारण भी बताया कि तुम किताब बहुत पास पास में लेके बैठते हो, टीवी बहुत नज़दीक से लेके बैठ देखते हो, पढ़ते समय कॉपी किताबों में लगभग 12 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए और तब तुम इस तरह की बातों को हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जब भी तुम पढ़ो तो 12 इंच का डिस्टेंस रखो पढ़ाई के वक्त, कोई जितनी दूर जितना पास रखोगे उतनी ज़्यादा आँखें खराब होने लगेगी, इसलिए इतना डिस्टेंस रखो कि 12 इंच का तो होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस तो इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिस्टेंस हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ज़्यादा पास में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारी आँखें कभी ख़राब नहीं होगी। यह सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल अब क्या मेरी आँखों में चश्मा लगेगा? अब रमन डर गया, वो घबराते हुए बोला डॉक्टर साहब से, चौंकते बोला, क्या मुझे भी
चश्मा लगेगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर अंकल, अब क्या मेरी आंखों में चश्मा लगेगा? डॉक्टर बोले, अभी तो शुरुआत है, इसलिए चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन की कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ जिन्हें खाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बोला, अभी तो तुम्हारी आंखें ठीक है, अभी तुम बचे हुए हो, पर किंतु परंतु अगर तुमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है और तुम्हें चश्मा लगाना पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिख दी विटामिन की, जिससे उसकी आंखें ठीक हो जाएगी और ये दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दाल तुम्हें क्या, हरी सब्जी, दाल, दूध, दही, फलों के हमेशा के लिए दोस्ती कर लोगों, तो अभी चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर तुम इनसे दोस्ती कर लोगे तो चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बताई बातों को ध्यान दोगे। रमन बोला, डॉक्टर अंकल, मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं बाहर का नुकसानदायक चीज़ें नहीं खाऊंगा। पढ़ते समय कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ूंगा। अब जब भी मैं टीवी देखूंगा तो दूर बैठकर पास से नहीं देखूंगा, दूर से देखूंगा, पास से नहीं देखूंगा। रमन की समझदारी भरी बात सुनकर माँ खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई। ठीक है ना, तो रमन ने डिसाइड कर लिया कि मैं हर चीज़ प्रॉपर रखूंगा, मतलब खाना भी खाऊंगा, डाइट प्रॉपर रखूंगा, सब दूध दही सब्जी सब खाऊंगा, बाहर की चीज़ों को नहीं खाऊंगा, टीवी दूर से देखूंगा, पढ़ाई में डिस्टेंसिंग रखूंगा। तो ये बस सुन के रमन की माँ भी बहुत खुश हुई, डॉक्टर भी बहुत खुश हुए, और रमन की माँ ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। तो संदेश क्या है? अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खान पान के साथ साथ पढ़ने व देखने का तरीका भी सही होना चाहिए। ये संदेश है चैप्टर नंबर 7 का। दर्द मतलब पीड़ा, अस्वस्थ मतलब बीमार, तय मतलब निश्चय, जांच मतलब निरीक्षण, नज़दीक मतलब पास निकट, धन्यवाद मतलब शुक्रिया, डॉक्टर मतलब चिकित्सक, उम्मीद मतलब आशा भरोसा, नुकसान मतलब हानि। वाचन और श्रुति मतलब दर्द, डॉक्टर बर्गर, विटामिन, अस्वस्थ, दवाइयाँ और नुकसानदायक। ये थे चैप्टर नंबर 7 आँखों का दर्द के शब्द, अर्थ और वाचन और श्रुति लेख।